हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो होमवर्क दिया था प्रतिवेदन लेखन के ऊपर, ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। जब मैंने आप लोगों को पिक पोस्ट किया ग्रुप में, तो उसमें पता ही लग गया आप लोगों के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 का LDC एंड LDE का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका ही आप लोगों का क्लर्कशिप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसमें आप लोगों का क्वेश्चन क्या था, शहर कोलकाता में हॉकर्स को नए सिरे से नए और उचित स्थान देने को ध्यान में रखते हुए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। उसमें आप लोगों को पॉइंट्स भी दिया हुआ था, और वो सब पॉइंट्स आप लोगों का तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है ही, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जो लोग नए हो, ठीक है। और जो लोग पहले से ही हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके रखे हो, उन लोगों को तो पता ही है, हम लोगों ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को पोस्ट किया हुआ है। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF भी है, इवन आप लोगों का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग ने अगर देखा नहीं है तो चैनल में विजिट करके आप लोग देख लीजिएगा पूरा सॉल्यूशन। सिर्फ ये वाला सॉल्यूशन बचा हुआ था, इसलिए मैंने इसको कराने का अभी सोचा आप लोग को। तो ये आप लोग का जो मैं WPSC या क्लर्कशिप का मेंस का क्लास करवा रहा हूँ, ये क्लास नंबर 28 है। और इसके पहले हम लोग कितना क्लास करवा चुके हैं, 25। अब आप लोग बोलोगे सर 25 से डायरेक्ट 28 में आप स्किप मार गए, यानी कि 26 और 27 कहाँ गए। तो आप लोगों को मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक एग्ज़ाम लिया था, फुल मॉक टेस्ट लिया था PSC क्लर्कशिप का मेंस के ऊपर। तो उसमें 3 टॉपिक इंग्लिश के थे, 3 टॉपिक आप लोग के हिंदी एंड बंगाली के थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो फुल मॉक टेस्ट हुआ था उसका मैं चेकिंग कर रहा हूँ, चेकिंग करने में टाइम लगेगा, अराउंड ये महीना चला जाएगा, सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोग का पूरा अपना आंसर की आप लोग को पूरा अपना मार्क्स सब कुछ मिल जाएगा ग्रुप में। और इसका जो आंसर की है, यानी कि जो एग्ज़ाम दिया था आप लोग उसका आंसर की, वो होगा आप लोग का 26 एंड 27 नंबर क्लास, यानी कि जो आप लोग का कल क्लास होने वाला है। 26 नंबर क्लास होगा पूरा इंग्लिश वाला सोल्यूशन होगा, 27 नंबर क्लास पूरा हिंदी एंड बंगाली वाला सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये होगा आप लोग का 26 एंड 27 नंबर क्लास। तो आज हम लोग क्लास करवा रहे हैं 28, और ये आप लोग का प्रतिवेदन लेखन के ऊपर है। क्वेश्चन मैंने आप लोग का अभी पढ़ ही दिया है, तो इसका सोल्यूशन भी आप लोग को बता दूँ। सोल्यूशन क्या है, जस्ट जो पॉइंट्स दिए हुए थे उन सब पॉइंट्स से आप लोग को ये प्रतिवेदन लिखना था, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो उसमें मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, प्रतिवेदन जब भी लिखोगे तो तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक हेडलाइन देना पड़ेगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो मैंने हेडलाइन दिया है कोलकाता में हॉकर्स की समस्या। अब यहाँ पर हॉकर की समस्या के जगह आप लोग ये भी लिख सकते हो, यातायात में हॉकर के कारण समस्या, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो। आप लोग को जो सूटेबल लगे वैसे करके लिख लीजिए। हेडलाइन इससे रिलेटेड होना चाहिए, जो आप लोग यहाँ पे लिखने वाले हो उससे रिलेटेड आप लोग का हेडलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे लिखोगे विशेष संवाददाता द्वारा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज़ कर रहे हो, सर बार बार आप ईयर लिख रहे हो, क्या ईयर लिखना एकदम सही है या ईयर नहीं लिखने से भी चलेगा। तो मैं इसलिए आज आप लोग का ईयर हटा चुका हूँ, कि ईयर आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई आप लोग का मार्क्स नहीं काटने वाला। वहाँ पे मेन चीज़ होता है दो चीज़ क्या होता है, एक होता है आप लोग का प्लेस और एक होता है डेट। प्लेस आप लोग क्या है, कोलकाता में उन्होंने बोला है तो कोलकाता दे दीजिएगा, डेट जो आज आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये हो गया आप लोग का आज का डेट 25 अगस्त, ठीक है, ये लिखा कीजिएगा। देन उसके बाद आप लोग को बोलता हूँ कॉमा देके 2020 लिखिए। अगर ये आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो नहीं लिखने से भी चलता है, ठीक है, वो नहीं लिखो तब भी चलेगा आप लोग का। ये हो गया, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कोलकाता एक बहुत बड़ा शहर है और हॉकर समस्या इस महानगर में लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आप लोग का हिंदी में है तो अलग से एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग को पता ही चल रहा है। अगर इंग्लिश में होता है तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, रेलवे स्टेशन के निकटवर्ती सड़कों पर इन्हीं हॉकरों के अनियंत्रित ठेलों एवं दुकानों के कारण भीड़ जम जाती है, जिससे यातायात में समस्या होती है। नेक्स्ट, कोलकाता के फुटपाथ हमेशा हॉकर्स द्वारा कब्जा कर लिए जाते हैं, जिसके कारण कई लाइसेंस प्राप्त दुकानों के प्रवेश द्वार तक उपभोक्ताओं को नहीं मिलते हैं, यानी कि जो आप लोग के नॉर्मल जिन्होंने लाइसेंस कुछ नहीं लिया है, वो लोग सिर्फ अपना ठेला कहीं भी लगा देते हैं या किसी भी दुकान के सामने लगा देते हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाता है, जो लोग लाइसेंस लिए हुए हैं, जो लोग अपना दुकान वहाँ पर एकदम फिक्स्ड बनाए हुए हैं, उनके गेट
ढूंढने में हम जैसे कस्टमर्स को प्रॉब्लम होता है, कहाँ पे है ये गेट, कहाँ पे है ऐसा। आप लोग जब कोलकाता में जाओगे ना, किसी भी स्ट्रीट में घूमोगे, कॉलेज स्ट्रीट बोलो या कोई भी धर्मताला या कहीं भी बोलो, आप लोग ऐसा आप लोग को प्रॉब्लम मिलेगा ही कि मतलब आप जो दुकान खोजना चाहते हो वो दुकान मिलेगा नहीं, आप लोग को बहुत सारे हॉकर्स के दुकान उसके सामने मिल जाते हैं। तो आप लोग को ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, वही चीज़ यहाँ पे बताया है, ठीक है। जो पॉइंट्स दिए हुए थे उसमें अच्छी तरह से बताया हुआ था कि समस्या क्या होती है और इसका समाधान क्या है। ये तीन चार पॉइंट आप लोग दिए थे, वो सब पॉइंट आप लोग वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। और अगर आप लोग बोलते हो कि नहीं सर हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं अलग से आप लोग को और एक वीडियो प्रोवाइड PDF प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आप लोग का पॉइंट्स भी लिखा रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, वास्तव में फुटपाथ का उपयोग करने में पदार्थियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, परंतु फुटपाथ के एक चौथाई हिस्से या कभी कभी आधे रास्ते को ही हॉकर कब्जा कर बैठते हैं। यानी कि नॉर्मली कितना आप लोग का, ये नॉर्मल आप लोग का फुटपाथ है तो फुटपाथ तो पूरा खाली हो जाना चाहिए कि जो लोग चलते हैं उसके कारण उनके लिए खाली होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है, 1/4 यानी कि इतना पोर्शन पूरा हॉकर लोग या कभी कभी आधा ही पोर्शन पूरा हॉकर लोग अपना कब्जा बनाए रहते हैं। जैसे आप लोग अगर सियालदह से मौलाली जाओगे तो ऐसा आप लोग को दिख जाएगा। तो इतने से छोटे से जगह से जब लोग क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे भीड़ भाड़ जम जाता है, इसके कारण क्या होता है सब लोग रोड में उतर जाते हैं, जो आप लोग का बहुत ही रिस्की चीज़ होता है। कहीं भी आप लोग का कभी भी बस आके ठोकर मार के चला जा सकता है ना। तो वही चीज़ आप लोग का यहाँ पे बताया है, क्या है जो प्राथमिकता किसको पदार्थियों को दी जानी चाहिए वो नहीं दी जाती, वो लोग कब्जा कर बैठते हैं, कभी कभी आधे रास्ते को भी कब्जा कर बैठते हैं, ठीक है। जिससे पदार्थियों को फुटपाथ व्यवहार करने में असुविधा होती है और वे फुटपाथ की जगह सड़क का प्रयोग करते हैं, यहीं पर ये बताया। अब क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट जो पैरा है, इस पैरा में आप लोग का पूरा कंप्लीट जो चाहते हैं वो आप लोग को हो जाना चाहिए। इसमें क्या है, फर्स्ट पैरा में आप लोग का क्या बताया है, जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं फुटपाथ में हॉकर्स के कारण, वो पूरा आप लोग का प्रॉब्लम्स मैंने फर्स्ट पैरा में कम्प्लीटली बता दिया है। अब सेकेंड जो पैराग्राफ होगा वो लास्ट पैरा होगा, इसमें क्या है जो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, जो सॉल्यूशन होंगे वो चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो क्या है सॉल्यूशन देखते हैं, गरीबी और असमानता का परिणाम फेरी वालों की बढ़ती समस्या है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फेरी वालों मैंने किस लिए लिखा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को जब हॉकर बोलते हैं ना, हॉकर को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, फेरी वाले बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर फेरी वाला आप लोग का क्वेश्चन में दिया नहीं है तो आप लोग यहाँ पे हॉकर ही लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोग का अलग सा दिया हुआ है हॉकर्स, हॉकर्स अब क्या चीज़ है, हॉकर तो हॉकर्स तो आप लोग इंग्लिश वर्ड है ना, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, हॉकरो ऐसे करके लिख सकते हैं, नहीं तो फेरी वालो ऐसे करके लिख सकते हैं। बट वहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को अगर हॉकर्स दिया है तो हॉकर्स का ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरे को समझाना था। देन नेक्स्ट है, गरीबी और असमानता का परिणाम फेरी वालों की बढ़ती समस्या है। बल द्वारा निष्कासन या फिर बिना योजना के हॉकरों को अपने जगह से बेदखल करना एक वास्तविक समाधान नहीं है। यानी कि क्या हुआ, कोई भी हॉकर वहाँ पे बैठा है, वो किस लिए बैठा है, अपने परिवार को चलाने के लिए बैठा है ना। तो उसको मान लीजिए वो गलत ही बैठा हो, बट उसको वही जगह सूटेबल लगा ताकि उसका बिजनेस चल सके, तो उनको क्या करेंगे, बहुत लोग एकदम उनका वैंडलाइजिंग कर देंगे, यानी कि पूरा दुकान उकान तोड़ देंगे, फिर उनको वहाँ से निकाल देंगे। तो ये आप लोग का समाधान नहीं होता, उनके साथ बातचीत कीजिए क्या करना क्या नहीं करना, वो किस लिए वहाँ पे बैठे, ताकि उनका थोड़ा सा पैसा इनकम कर सके, इसलिए तो बैठे हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं सॉल्यूशन क्या है आप लोग का, वास्तव में यह अनियंत्रित समस्या पूरे समाज की सहमति के बिना हल नहीं की जा सकती। फेरी वालों को बाहर निकालने से पहले उनको पुनर्वास के मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी कि वो जो उस प्लेस में है, अगर इस प्लेस में है, यहाँ पे फुटपाथ है, इस जगह से किसी और जगह में उनको अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, किसी और जगह में उनको रिप्लेस कर दिया जाए, तो क्या होगा, फुटपाथ भी क्लियर हो जाएगा, इवन उनका भी जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो भी सोल्यूशन हो जाएगा। तो दोनों चीज़ एक साथ हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है, फेरी वालों को बाहर निकालने से पहले उनको पुनर्वास के मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि एक पूरा परिवार फेरी वाल के साथ शामिल होता है, यानी कि उसको पूरा एक फुल फैमिली चलाना पड़ता है, ठीक है। तो उसको भी तो प्रॉब्लम है, इसलिए वो बैठा है। देन नेक्स्ट है, इसके लिए राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति के आधार पर अर्थशास्त्रियों और योजना कार्यों की मदद से फेरी वालों के पुनर्वास के लिए एक ईमानदार प्रयास की आवश्यकता है। बस इतना हो गया आप लोग का पूरा कम्प्लीटली रिपोर्ट राइटिंग। अब यहाँ पे मैंने पूरा आप लोग का एक्सप्लेन कर दिया, फर्स्ट पैरा में आप लोगों को क्या लिखना है,
फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग लिखना है जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो भी आप लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है आप लोग का रिपोर्ट लिखने का, वो आप लोग का फर्स्ट पैराग्राफ में लिख जाना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पैरा जो है यहाँ पे, नेक्स्ट पैरा में आप लोग का जो कंक्लूजन है या जो भी सॉल्यूशंस है वो आप लोग का नेक्स्ट पैरा में लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का रिपोर्ट राइटिंग। और ऐसे ही क्लास अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और ज़्यादा ही अच्छा लग गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि हिंदी में आप लोग को और भी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं मैं। और अगर आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग को पता ही है, ये वाला मेरा नंबर दिया हुआ है 9609714558, ये व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है। तो यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोग ग्रुप कैसे ज्वाइन होंगे वो मैं आप लोग को व्हाट्सएप में बता दूँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल होगा आप लोग का सुबह 10 बजे, और उसके बाद वाला क्लास होगा आप लोग का रात को 10 बजे, यानी कि कल आप लोग का 2 क्लास होंगे, एज पर शेड्यूल क्लास चलेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।